हेलो दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक स्टॉक में दो सेक्टर हमें देखने को मिलता है, फार्मा एंड दोस्तों केमिकल। और दोस्तों इस स्टॉक ने हमें बहुत शानदार तरीके से मुनाफा दिया है। दोस्तों बात करें, जब स्टॉक की प्राइस ओनली 1100 रुपये के आसपास में ट्रेड करते हुए देखने को मिला था, वहाँ से आप लोग को वीडियो बनाकर डिस्कस किया था कि दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस 2000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। और दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पे 2500 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और दोस्तों इसका प्राइस यहाँ से भी काफ़ी आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए इस स्टॉक के ऊपर सारे इन्फॉर्मेशन एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, पिछली 1 मंथ की बात करें इसका प्राइस का ग्राफ का, तो यहाँ पर काफ़ी शानदार तरीके से इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है, जो कि पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक में 26% से एबव का मुनाफा दिया है, जो कि अपने आप में अच्छा खासा है। और दोस्तों पिछले 1 साल में इस स्टॉक में यहाँ पे 38% के आसपास का मुनाफा दिया है। और दोस्तों इसका प्राइस का ग्राफ देख के हमें समझना चाहिए कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछली 5 ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे 760% के आसपास का मुनाफा का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से इसका प्राइस हमें साइड जोन में थोड़ा सा देखने को मिला। हालांकि दोस्तों यहाँ से फिर से काफ़ी शानदार तरीके से रैली शो कर रहा है और दोस्तों फ्यूचर में इसका प्राइस 3000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पे सबसे अधिक दिनों में इस स्टॉक में 11000% से एबव का इस स्टॉक ने मुनाफा दिया है। और दोस्तों यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से JB केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की रिगार्डिंग, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे 19000 करोड़ से अबव का है, यानी कि 20000 करोड़ के आसपास का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। इसका 52 वीक हाई की बात करेंगे तो यहाँ पे 2800 रुपये के आसपास का इसका प्राइस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि लो की बात करते हैं यहाँ पे 1600 रुपये के आसपास का लो का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों स्टॉक प्रीशू की बात करेंगे तो यहाँ पे 49 का फिगर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इंडस्ट्री का प्रीशू यहाँ पे 30 के आसपास का फिगर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो यहाँ पे 17% से एबव का फिगर है, जो कि रिटर्न ऑन कैपिटल इम्पैक्ट यहाँ पे काफी अच्छा खासा फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो 1% के आसपास का फिगर हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका फेस वैल्यू जो है यहाँ पे हमें 2 रुपये का फिगर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों हम बात करेंगे इस स्टॉक में यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग का, तो 54% के आसपास का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों कोई प्रमोटर का शेयर यहाँ पे प्लेस है नहीं। और दोस्तों EPS की बात करेंगे तो इसका EPS का फिगर भी अपने आप में अच्छा खासा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो डेप टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.23 का फिगर हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि कोई खास डेप्ट है नहीं। और दोस्तों फ्री कैश फ्लो की बात करेंगे तो यहाँ पे 138 करोड़ का यहाँ पे नेगेटिव फिगर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि दोस्तों इसका PEG रेशियो थोड़ा सा हमें हाई देखने को मिल रहा है, यानी कि हो सकता है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा बहुत हमें गिरावट का फिगर इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका क्वार्टरली सेल्स यहाँ पे कितना शानदार तरीके से एवरी क्वार्टर का फिगर हमें देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर भी अपने आप में अच्छा खासा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो नेट प्रॉफिट एवरी क्वार्टर का जबरदस्त तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका ईयरली सेल्स का फिगर भी अपने आप में अच्छा खासा है, एवरी ईयर का सेल्स जबरदस्त है और इस साल का सबसे हाईएस्ट फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिला। और दोस्तों यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फिगर भी इस साल का स्ट्रॉन्ग तरीके से फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दोस्तों बात करेंगे नेट प्रॉफिट के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो एवरी ईयर का नेट प्रॉफिट का फिगर भी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसका सेल्स ग्रोथ कितना शानदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी शानदार है। और दोस्तों यहाँ पे इस स्टॉक का जो CAGR है यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, पिछले 3 साल में 52% का रिटर्न दिया है, जो कि पिछले 1 साल में 40% का मुनाफा और दोस्तों पिछले 5 साल में 56% का मुनाफा का फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि रिटर्न इक्विटी की बात करेंगे तो ये भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें देखने को मिल रहा है।
और दोस्तों यहाँ पे रिजर्व का फिगर भी देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग है एवरी ईयर, और इस साल का सबसे हाईएस्ट रिजर्व का फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो कि ब्रोइंग्स की बात करेंगे इनके डेप्ट का, तो थोड़ा सा डेप्ट का फिगर भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि फिक्स एसेट की बात करेंगे तो फिक्स एसेट का फिगर भी यहाँ पे इस साल का सबसे हाईएस्ट फिगर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अपने आप में अच्छा खासा है, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। यहाँ पे शेयर होल्डर पैटर्न भी देख सकते हो इस स्टॉक में दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग 54% के आसपास का यहाँ पे हमें होल्डिंग देखने को मिल रहा है, जो कि एफआई की होल्डिंग भी काफ़ी शानदार है। और एफआई ने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे जून क्वार्टर में खरीदारी किया है, जो कि दोस्तों डीआई ने थोड़ा सा बिकवाली किया है जून क्वार्टर में, जो कि रिटेल का होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है। तो शेयर होल्डर ट्रेंड भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बनाकर रख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अगर यहाँ से इस स्टॉक में थोड़ा बहुत हमें गिरावट का फिगर देखने को मिलता है तो इसका प्राइस हम यहाँ पे 2240 के आसपास में आती हुए देखने को मिलेगा। अदरवाइज फ्यूचर में इसका प्राइस 3000 के भी क्रॉस करके आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस स्टॉक के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो।